हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी चैनल की वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की और आज है 2 जुलाई 2018। आज की वीडियो में जापान देश की हम चर्चा करेंगे, साथ में पीडीएफ इस वीडियो की आपको चाहिए तो विज़िट करें हमारी वेबसाइट को या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो शुरू करते हैं और आप सब लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिमांड आई कि रिवीजन वाला पोर्शन चालू रहना चाहिए, तो रिवीजन अब चालू रहेगा लेकिन उसका आंसर देना ऑप्शनल होगा। 5 सेकंड का जो समय था वो नहीं दिया जाएगा। आप चाहे तो आंसर दें, चाहे तो सिर्फ रिवीजन देख लें। हमारा पहला प्रश्न था, कल जो हमने पढ़ा था, किसे भारत का 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सही उत्तर है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इंसबेल्स। दूसरा प्रश्न था, भारतीय कर प्रणाली में सुधार के 1 वर्ष पूरे होने पर किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सही उत्तर था 1 जुलाई 2018। तीसरा प्रश्न था, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के एस अल्फोंस ने कहाँ आतिथ्य प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया। सही उत्तर है जोधपुर, राजस्थान। चौथा प्रश्न था, भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से कितने प्रतिशत बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सही उत्तर है 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पांचवा प्रश्न था, कहाँ संयुक्त अरब अमीरात का वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, और इसका सही उत्तर है हैदराबाद। इनके सही उत्तर आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में जरूर सोचे, अगर लिखना नहीं है आपको तो। नेपाल की राजधानी काठमांडू भारत के शहर के बीच सीधी विमान सेवा फिर से शुरू होगी, तो ये शुरू होगी काशी और काठमांडू के बीच में। सातवां प्रश्न था, विश्व बैंक के अनुसार जलवायु परिवर्तन से 2050 तक भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत नुकसान हो सकता है। सही उत्तर है 2.8% का नुकसान। आठवां प्रश्न था, किस प्रदेश को मातृ मृत्यु दर में सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की पहुंच और सर्वाधिक स्वैच्छिक सेवा प्रदाताओं की संख्या के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उत्तर है मध्य प्रदेश। और नवा प्रश्न, भारत ने किस देश से T20 की सीरीज 2-0 से जीत ली। सही उत्तर है आयरलैंड। दसवां प्रश्न, किस देश को हराकर भारत ने कबड्डी मास्टर्स टूर्नामेंट जीता, और से इसका सही उत्तर है ईरान। तो ये थे कल के हमारे 10 करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट का टर्मिनल स्वचालित चेक इन सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टर्मिनल है। तो ये जो टर्मिनल है ये मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट है, याद रखिएगा मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल फर्स्ट T1 यात्रियों को स्व बैग ड्रॉप यानी SBD की सुविधा देता है और उससे पूरी तरह से स्वचालित चेक इन प्रणाली वाला एकमात्र टर्मिनल बन गया है पूरे देश के अंदर। इसके अलावा ये जो हवाई अड्डा है ऑपरेटर्स, ये हवाई अड्डा ऑपरेटर जो है शहर के 5 सितारा होटल से चेक इन की सुविधा इसके अंदर बढ़ा दी गई है और जिससे यात्रियों को होटल से अपने बोर्डिंग पास लेने में मदद मिलेगी। और देश मात्र का एकमात्र टर्मिनल है जो पूरी तरह से स्वचालित चेक इन सिस्टम प्रदान करता है, ये आप याद रखिएगा। जब भी कोई देश में एकमात्र होता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानकारी का स्रोत है जी न्यूज़। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल के वकील को सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये जो वकील हैं इनका नाम है दीदार सिंह गिल। दीदार सिंह गिल को नियुक्त किया गया है आयुक्त। डिटेल देखिए क्या है, तो सिंगापुर में बौद्धिक संपदा मामलों के भारतीय मूल के वकील हैं ये। तो कौन से मामले देखते हैं, बौद्धिक संपदा के मामले देखते हैं, पेटेंट वगैरह से संबंधित। नाम है दीदार सिंह गिल, इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति की है राष्ट्रपति है वहाँ की हलीमा याकूब। हलीमा याकूब ने इनको 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं, राजधानी है सिंगापुर सिटी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली एच ल्यूंग और सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। 1 सिंगापुर डॉलर में 50 इंडियन रुपीज होते हैं। जानकारी का स्रोत है अमर उजाला। अगला प्रश्न है, किसे भारत के ट्रांसजेंडर वकील के रूप में नामित किया गया है। तो ट्रांसजेंडर वकील के रूप में जिन्हें नामित किया गया है एकमात्र है, ये प्रथम है, यह सत्यश्री शर्मिला तमिलनाडु की हैं ये और इनको नामित किया गया है ट्रांसजेंडर वकील के रूप में। और रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु का, याद रखिएगा यहाँ से हैं पहले वकील हैं भारत के, 36 वर्ष के हैं। और तमिलनाडु एंड पुडुचेरी जो बार काउंसिल है वहाँ पर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसके साथ ही वकील बन गए हैं। इससे पहले ज्योतिया मंडल जो है पश्चिम बंगाल की
दिनाजपुर लोक अदालत में न्यायाधीश नियुक्त की गई थी और ये भी ट्रांसजेंडर थी और ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश है। जानकारी का स्रोत है अमर उजाला। चौथा प्रश्न देखते हैं, FATF ने हाल ही में किस देश का नाम ग्रे सूची में डाला है? तो FATF ने जिस देश का नाम ग्रे सूची में डाला है वो है पाकिस्तान। क्यों डाला है ग्रे सूची में, इसके बारे में, और क्या है ये आखिर? देखिए, आतंकवादियों को फंडिंग रोकने में विफल होने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसने क्या है इसको निगरानी सूची का नाम है ग्रे लिस्ट, उसमें डाल दिया है। यानी इन पर आरोप है कि ये जो देश है आतंकवादियों की पनाहगाह है, यहाँ उन्हें फंडिंग वगैरह भी होती है और इसके लिए अब इसे निगरानी सूची में डाल दिया गया है। तो जो भी इसे फाइनेंशियल मदद दी जाएगी दूसरे देशों के द्वारा उसकी पहले अच्छे से जांच पड़ताल होगी। इस्लामाबाद के खिलाफ ये फैसला संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई ना करने के कारण लिया गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कुछ आतंकी संगठनों को बैन कर रखा है जबकि पाकिस्तान के अंदर वो बैन नहीं है। चलिए, पाकिस्तान की राजधानी की बात कर लें, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नासिर उल मुल्क, याद रखिएगा, ये टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी यानी कि वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो इसलिए बनाए गए हैं। ये पूर्व न्यायाधीश हैं। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। 1 इंडियन रुपीज में 1.7 पाकिस्तानी रुपया होता है। डीडी न्यूज जानकारी का स्रोत है। पांचवा प्रश्न है, बौद्धिक संपदा में विशिष्ट एशिया का प्रथम मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र जो है टोक्यो में स्टार्ट किया जाना है। क्या है डिटेल देखिए, तो बौद्धिक संपदा में विशिष्ट एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र विवादों की संख्या, बढ़ती हुई संख्या को हल करने के लिए 2018 में कहाँ खोला गया जाएगा? ये खोला जाएगा टोक्यो के अंदर, ताकि जो विवाद है बौद्धिक संपदा से संबंधित, पेटेंट से संबंधित, उनको निपटाया जा सके। टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो केंद्र होगा, दुनिया भर से लगभग 1 दर्जन मध्यस्थतों के लिए तैयार किया जाएगा और 1 वर्ष की अवधि के भीतर विवादों को हल करने का यह प्रयास करेगा। जापान की बात कर लेते हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मुद्रा है जापान येन। 1 इंडियन रुपीज में 1.6 जापानी येन होता है। जानकारी का स्रोत है बिजनेस स्टैंडर्ड। अब हम देख लेते हैं मैप में जापान की लोकेशन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको जापान जाना तो पूर्व की तरफ आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व में जापान को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले प्रशांत महासागर, देखिए ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है? ये जापान से पड़ती है। तो ये है जापान, एक पूरी तरह से समुद्र के अंदर द्वीपों में, छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ है। आसपास कौन कौन से देश हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके आसपास इस तरफ देखेंगे तो ये क्या है, रशिया है। इसके आस इधर क्या है, रशिया, रूस, इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। नीचे की तरफ इस तरफ चाइना है, ये है सी ऑफ जापान, ये है ईस्ट चाइना सी नीचे की तरफ, और इधर है प्रशांत महासागर, इसको आप याद रखिएगा। कौन है इस तरफ? प्रशांत महासागर, इस तरफ है सी ऑफ जापान, इस तरफ सी ऑफ चाइना, ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चाइना सागर, और ये जो देश ये है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी है टोक्यो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भाग लेने के लिए आमंत्रित एकमात्र भारत एशियाई कौन है? तो ये है अभिलाष टोमी। अभिलाष टोमी को आमंत्रित किया गया है। आखिर क्या है डिटेल देख लीजिए, तो ये है भारतीय नौसेना के कमांडर हैं अभिलाष टोमी। गोल्डन ग्लोब रेस GGR के नाम से इसे जाना जाता है, इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित एकमात्र एशियाई हैं, और ये यात्रा फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलोन हार्बर, ये जगह का नाम है, यहाँ से प्रारंभ हुई है। कमांडर अभिलाष टोमी की बात करें तो भारत के लिए सबसे पहले प्रमुख नाविकों में से एक हैं, और सेल के भीतर 2012-13 में ग्लोब की सोलो नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन समेत 53,000 नॉटिकल माइल्स इनके द्वारा कवर किए गए थे। इनको कीर्ति चक्र मिला है, मैक ग्रेगर मिला है, और तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। गोल्डन ग्लोब रेस की बात कर ले तो ब्रिटेन के सर रॉबिन्स नॉक्स जॉनसन द्वारा 1968 में इसको प्रारंभ किया गया था, और विश्व के पहले नॉन स्टॉप
सरकम नेविगेशन की याद में इसको किया जा रहा है। जानकारी का स्रोत है पीआईबी इंडिया की वेबसाइट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं अंजलि एला मेनन, इनको सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको जो है दृश्य कला के क्षेत्र में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया है। सबसे सफल कलाकारों में अंजलि एला मेनन को गिना जाता है और ये एक मुरालिस्ट है। मुरालिस्ट क्या करते हैं? दीवार पर चित्रकारी करने का काम करते हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। कालिदास सम्मान की हम बात कर लेते हैं, तो कालिदास सम्मान वार्षिक रूप से यानी हर वर्ष दिया जाता है। 1980 में इसको शुरुआत किया गया था और इसको जो दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में वैकल्पिक चीज़ों के लिए इसको प्रदान किया जाता है और प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जानकारी का स्रोत है बिजनेस स्टैंडर्ड। आठवां प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना की शुरुआत की? तो ये जो कन्या वन समृद्धि योजना शुरू की गई है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर कन्या जब किसान परिवार में जन्म लेगी तो उसको वृक्षारोपण के लिए पौधे दिए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और वृक्षारोपण दोनों को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और योजना को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव, लोकसभा की यहाँ 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। जानकारी का स्रोत है नव भारत टाइम्स। नवे प्रश्न की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन का चीफ किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन जो है उसके चीफ बनाए गए हैं जनार्दन सिंह गहलोत साहब। डिटेल में देखिए क्या है, तो इनको बनाया गया है जनार्दन सिंह गहलोत जी को 4 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन यानी IKF का अध्यक्ष। और घोषणा हुई दुबई में के समय उत्तर अरब अमीरात के दुबई में, वहां फेडरेशन की वार्षिक जनरल बैठक का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों ओलंपिक परिषद एशिया के पर्यवेक्षक और निदेशक विनोद कुमार तिवारी भी अब इसमें उपस्थित होंगे, जिसमें 22 सदस्य देशों ने भाग लिया था। सोर्स से पत्रिका न्यूज़। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हॉकी में कौन सा देश भारत को हराकर 15वीं बार एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना? तो ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया 15वीं बार, वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया और फाइनल में भारत को हराया। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 15वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं मालकोम टर्नबुल, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो कि 50 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का प्रश्नों में। अब बात करते हैं मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 50 उत्तर 50 से। हमने प्रश्न पूछा था मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो सही उत्तर है 29। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। सही उत्तर देने वालों में पहला नाम है वीर सिंह राजपूत, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं सीमा प्रजापति, सतना मध्य प्रदेश। तीसरे हैं नसीम, जबलपुर मध्य प्रदेश। चौथे हैं मोहन चंद्र वर्मा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और पांचवे हैं प्रवीण दांगी, गया बिहार। आप सभी लोगों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पर आए तो मैं भी ज्ञानी प्रतियोगिता 50 के प्रश्न का उत्तर जरूर जरूर और जरूर दीजिए। प्रश्न है हमारा कि मुंबई हवाई अड्डे का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डी राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर जरूर गलत हो गए हैं, बट ये ए बी सी डी ये ऑप्शन है इसके। और उत्तर देते समय सबसे पहले अपना उत्तर लिखें, उत्तर लिखने के बाद अपना नाम लिखें और नाम लिखने के बाद अपने शहर और प्रदेश का नाम जरूर लिखें। तो आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।